वीके न्यूज एमपी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सुशासन राज्य की धज्जियां उड़ाता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानून व्यवस्था की नाकामी की वजह से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो अब सरेआम किसी पर भी हमला करने से बाज नहीं आते, चाहे वो कोई आम जनता हो या फिर खुद पुलिस। कानून की लचर व्यवस्था की हकीकत का एक वीडियो सीहोर जिले से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सीहोर जिले के अहमदपुर वन परिक्षेत्र में आने वाले वन क्षेत्र में अतिक्रमण रोकने गई टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया है, जिससे दो वन रक्षक घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार अहमदपुर वन परिक्षेत्र की मगदी वीट पर वन परिक्षेत्र की भूमि पर ट्रैक्टर से अतिक्रमण करने की सूचना वन विभाग को मिली थी। सूचना के आधार पर वन परिक्षेत्र अहमदपुर के डिप्टी रेंज 6 वन रक्षकों के साथ मौके पर कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। वहां पर टीम ने कार्रवाई करते हुए दो ट्रैक्टरों को जब्त भी कर लिया था। जब टीम वापस लौट रही थी उसी दौरान पहले से ही घात लगाए बैठे अतिक्रमणकारियों ने डिप्टी रेंजर और वन रक्षकों की टीम पर हमला कर दिया। हमलावरों ने जब्त किए गए ट्रैक्टरों को भी छुड़ा लिया है। पुलिस और वन रक्षकों की टीम मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकल सकी है, जिसके बाद डिप्टी रेंजर ने अहमदपुर थाना पुलिस को इस हमले की सूचना दी है। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही अहमदपुर थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह तोमर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान पुलिस को आता देख कुछ अतिक्रमणकारी मौके से भाग निकले। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस और वन विभाग की इस कार्रवाई का विरोध सबसे ज्यादा महिलाओं ने किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से एक महिला ट्रैक्टर के पहिए पर बैठ गई है और दूसरी महिला धारदार हथियार लेकर पुलिस टीम पर धमकाने लगी है। वन अमला बल भूमि के अतिक्रमण के संबंध में प्रकरण की जब्ती के लिए ग्राम टाडा में गया हुआ था, जहाँ टाडा के अनावेदक हैं निर्भय सिंह गुर्जर। उनके यहाँ पे ये आरोप था कि उन्होंने वन भूमि पे ट्रैक्टर चलाया है, तो उक्त ट्रैक्टर को वो जब्ती की कार्रवाई के लिए गए हुए थे। वहाँ पे वन अमले के साथ में बदतमीजी हुई थी। फिर डिप्टी वन परिक्षेत्र अधिकारी के ने फ़ोन किया तो मैं अपने बल के साथ में भी स्वयं भी पहुँचा। वहाँ पर स्थिति ऐसी निर्मित हुई कि वन विभाग और पुलिस विभाग संयुक्त कार्रवाई कर रहा था, किंतु वहाँ पर परिस्थिति को देखते हुए वो जब्ती की कार्रवाई नहीं हो सकी। इस स्थिति को देखकर पुलिस को बेरंग वापस लौटना पड़ा। हालांकि पुलिस ने आरोपी मांगीलाल गुज्जर एवं उसके परिवार के लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि वन कर्मियों पर हुआ यह हमला कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी 2022 में वन विभाग की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर 30 से 40 महिला पुरुषों ने लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया था, जिसमें एक वन कर्मी और दो लोग चोटिल हो गए थे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज एमपी। एक और है वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।